हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 idiomatic phrases, जिन्हें आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं इम्प्रेसिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला फ्रेज है हमारा अ बर्निंग इश्यू या फिर अ बर्निंग क्वेश्चन, द मैटर दैट इज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर, जिस विषय पर हर जगह चर्चा हो रही हो या जिस विषय पर ज़्यादातर लोग बातें कर रहे हो। मैटर का हिंदी मीनिंग होता है विषय या मामला, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, डिस्कस यानी कि चर्चा करना। अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पंचायत इलेक्शन इज अ बर्निंग इश्यू, पंचायत चुनाव चर्चा का विषय है, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। दूसरा एग्जाम्पल है पंचगांव विलेजेस डॉटर रोट अ बुक ऑन मदर, पंचगांव गांव की बेटी ने माँ पर बुक लिखी। डॉटर का मतलब होता है बेटी, रोट यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म है। दीज डेज दैट बुक इज अ बर्निंग इश्यू, इन दिनों वह बुक चर्चा का विषय है। नेक्स्ट फ्रेज है बैप्टिज्म ऑफ फायर या फिर बैप्टिज्म बाय फायर, इसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन या फिर एक्सपीरियंस टू अ न्यू जॉब और एक्टिविटी, किसी कार्य का पहला दुखद अनुभव, यानी कि जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कुकिंग डोसा वाज अ बैप्टिज्म ऑफ फायर फॉर मी, डोसा बनाना मेरे लिए बहुत दुखद था, परेशानियों से भरा था। क्यों? क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था। और बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब ही क्या होता है, किसी काम को पहली बार करने में होने वाली परेशानियां। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्गेनाइजिंग समर कैंप वाज अ बैप्टिज्म ऑफ फायर। ओके, अब नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। ये है एज सिक एज अ पैरट, इसका मतलब ये नहीं होता कि तोते की तरह बीमार होना, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। क्या होता है? एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड यानी कि बहुत ज्यादा दुखी होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज सिक एज अ पैरट व्हेन माई गोल्ड चेन लॉस्ट समवेयर, समवेयर मतलब कहीं, लॉस्ट गुम होना, गोल्ड सोने की, व्हेन जब, व्हेन का मतलब कब भी होता है। ओके, मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई जब मेरी सोने की चेन कहीं गुम हो गई। ऑब्वियसली सोने की चेन गुम हुई है तो दुख होगा ही। अगला एग्जाम्पल है ही वॉज सिक एज अ पैरट व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब, वह बहुत ज्यादा दुखी था जब उसकी नौकरी गई या छूटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट idiom, पार फॉर द कोर्स, इसका मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट प्लीज्ड विद अ टाइप ऑफ बिहेवियर इवेंट और सिचुएशन बट इट इज व्हाट यू एक्सपेक्टेड टू हैपन। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, एक्सपेक्टेड उम्मीद होना, हैपन घटित होना। जब आप एक प्रकार के व्यवहार घटना या स्थिति से प्रसन्न नहीं होते लेकिन इसके होने की आपको उम्मीद होती है, यानी कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन उसके होने से आपको खुशी नहीं होगी, तब हम इस फ्रेज को यूज करेंगे, इस idiom को यूज करेंगे। ओके, अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स इज द पार फॉर द कोर्स। देखो, इस एग्जाम्पल को हिंदी में समझने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि आज आपको लगता है कि ऑफिस और घर में बहुत काम है और आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है, आपको उम्मीद होती है कि आपको लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है लेकिन आप खुश नहीं होते, यानी कि अगर आपको लंबे समय तक काम करना होता है तो आप खुश नहीं होते लेकिन उम्मीद होती है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर आप यह सेंटेंस यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। योर फादर स्कोल्डेड यू, दैट्स अ पार फॉर द कोर्स, आपके पापा ने आपको डांट लगाई यानी कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे उम्मीद थी कि आपको डांट लग सकती थी। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट idiom ऑफ टूडेज वीडियो, ये है दैट्स द लास्ट स्ट्रो, दैट्स द लास्ट स्ट्रो।
द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स दैट फाइनली मेक्स यू फील दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू टू एक्सेप्ट अ बैड सिचुएशन. अनप्लीजेंट यानी कि जो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है. और वेन योर पेशेंस हैज रन आउट, पेशेंस होता है सबर, लगातार होने वाली बुरी बातें या घटनाएं जो आपको यह महसूस कराती है कि आप बुरे हालात या बातों को आगे स्वीकार नहीं कर सकते, या फिर जब आपका सब्र खत्म हो जाता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अब कोई आपको गलत कह रहा होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, या फिर आपको खुद जैसे आप फेल हो रहे हो बार बार, तो आपको लगता है कि नहीं अब मुझे ये लास्ट स्ट्रो था, इट वॉज द लास्ट स्ट्रो, अब मैं बहुत पूरे दिल जान से मेहनत करूंगा. ओके अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. ही इज ऑलवेज बीन रूड टू मी बट इट वॉज द लास्ट स्ट्रो व्हेन ही स्टार्टेड इंसल्टिंग माय मदर. रूड का मतलब होता है किसी के साथ पोलाइटली बात नहीं करना, किसी के साथ पोलाइटली पेश नहीं आना. इंसल्ट यानी कि अपमान करना. वह हमेशा से ही मेरे साथ विनम्र नहीं था, लेकिन मेरा सब्र खत्म हो गया जब उसने मेरी माँ का अपमान करना शुरू किया. दूसरा एग्जाम्पल है, माय हस्बैंड ऑलवेज वेट अंटिल द लास्ट स्ट्रो. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, अंटिल का मतलब होता है जब तक. ये थी हमारी आज की वीडियो. आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ. टिल देन, बाय बाय.